हशमत भाई, हम अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे यूपी में आपसे ज्यादा अच्छा ग्रूविंग करने वाला कोई नहीं है, फिर हमें बेकार में बुलाकर क्यों फंसा है? अरे भाई, हम जानना चाहते थे कि तुम हमारी टीम में हो कि जमात की तरफ हो। चलिए जाइए, अब इतनी रात को बूढ़े बच्चे बाहर नहीं घूमते, जाइए चलिए। हसमत का हसमत। अच्छा अच्छा हसमत। घर छोड़ने गए तो रास्ते पर मिन्नत कर रहे थे, किसी से कहिएगा नहीं हमारी दोस्ती का वास्ता। चलिए खुश तो हुए आप, बाकी उन नासपीटों को तो अल्लाह गारत करेगा। भाईजान, ये का है? अरे हम सब लोग मर गए का? का हुआ? अरे का हुआ मतलब? अरे आप पर किसी ने हाथ उठाया और आपने हमें बताया तक नहीं, और आप लोग यहाँ खड़कर बहस करिए, नहीं चल के बीच बजावन निकाल कर तो डालते हाथ पैर सालों के। ए, रुको, बौरा गए हो का? कोई कुछ नहीं करेगा, कल रात उसने जो किया वही तुम आज करने जा रहे हो, का फर्क रह जाएगा? ये का बच्चों जैसी बात करते हैं आप? अरे भैया, आपको हमारा बात बच्चों जैसा लग रहा है? सोचो, उसके मारने से हमको फायदे हुआ है। कल तक आप सब लोग जो मुंह फेरे बैठे थे कि हमने दुकान का है खोली है, आज कैसे सब एक होकर हमारी तरफ से लड़ने को तैयार हो गए? इका कम है? चाचा जान, उसने जो किया उसकी सजा उसको मिलना ही चाहिए। मियाँ सुनो, सजा देने का हक उसको है, जिस दिन आप खुदा बन जाओ सजा दे देना। जोर लगा के बेटा, एकदम बारीक बारीक करे। आ जाए हकीम साहब। अरे लाहौल बिला कुवत, आपने तो हमें डराई दिया। अरे ये क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं, रात के अंधेरे में गिर गए थे, सोचा दिखाते चलो। कैसे हो? जा 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 जा। काहे डॉक्टर बनर्जी कहीं बाहर गए का? नहीं जी, डाक साहब खुदे बीमार है, और आपके कदीमी नुस्खे के आगे उनकी अंग्रेजी दवाइयां, कहीं अल्सर हो जाए। देखिए बस, अब ये झूठी तारीफ करना तो बंद कीजिए और बताइए कैसे आना हुआ। अरे भाई, सच में इलाज कराना है, बहुत दर्द हो रहा है। देखिए वो तो हम कर नहीं सकते, अब तुम्हारी तरह आजाद ख्यालों के तो हम हैं नहीं, खुदा से डरते हैं। जाइए, हमारी दुकान बंद है। आए, आप हकीम है, आप पर ही फरमान थोड़े लागू होता, और यूं भी हमें तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि आपका दुकान में घर है या घर में दुकान है। हमारे घर में हमारे दुकान में घर है, कोई तकलीफ? कमाल है हकीम साहब, किसी के बच्चा होने वाला हो या कोई मर रहा हो तो भी आप इलाज नहीं करेंगे? देखिए, हमने कह दिया ना, हमारा दुकान बंद है, अब जाइए आप। आपका बेटा या आपका पोता वो बीमार हो तो आपको नहीं लगता कि कुछ लोगों के जज्बात खाली अपने लोगों के लिए ही जागते हैं? नहीं? ये कैसे कह सकते हैं आप? हाँ तो साबित कीजिए, कब हमारे मोहल्ले में क्रिकेट में हिंदुस्तान के जितने पर पटाखे फूटे हैं, और हम तो आपको यहाँ के दुकान टांगों सैलूनों में शोएब अख्तर, इंजमाम, यहाँ तक कि परवेज मुशर्रफ, ओसामा और सद्दाम हुसैन की फोटो भी दिखा सकते हैं। तो इसमें बुरा क्या है? नहीं, बुरा तो हम भी नहीं मानते, इसी वतन में हक है सबको अपने जज्बात जाहिर करने का, पर जब हमको मौका मिला कि अपने हुनर के जरिए वतन की खिदमत कर सकूं, तो हमें पहले अपना वतन नजर आया, बाद में अपना और अपने लोगों के जज्बात, इसलिए हमारी दुकान खुली है और आपके बंद है। खैर चलते हैं, खुदा हाफिज। सुनिए, कड़वी है, शहद में मिलाकर सुबह शाम चाट लीजिएगा, दर्द जाता रहेगा, और ये दवा हमने आपको दी है, खुदा के लिए किसी से कहिएगा मत। जी बेहतर, ठीक है।
दफा, ये काम आ जा रहा है? पता नहीं, कोर्ट ने शायद सबको छोड़ने का ऑर्डर दे दिया है। अल्लाह का शुक्र। अरे आपको खबर नहीं का? का? होम मिनिस्टर साहब ने कसूरी साहब से खुद माफी मांगी है और पुलिस वालों को खूब झाड़ा है। दो को तो बर्खास्त भी कर दिया है। आबिद भाई को छोड़ रहे हैं, कमेटी के सारे लोग जा रहे हैं नैनी जेल लेने उनको। कमाल है, हमको नहीं बुलाया। ठीक है। ओहो, अब आप ही बताइए, ये कोई ठीक बात है? कितना समझाए पर नहीं, वो तो किसी की सुनने को तैयार नहीं। आदाब आबिद भाई, कैसे हैं? खुदा ही देख लीजिए, जिंदा है बस। मौलाना साहब, इनायत मियां, इन्हें बोलने दीजिए। जिन लोगों की हिमायत में आपने हमसे दगा किया है, देख लीजिए उस हुकूमत के दरिंदों ने रिमांड में क्या हाल बनाया इनका, देखिए। इस बात का हमें भी अफसोस है। झूठ कह रहे हैं आप, आपको कतई कोई अफसोस नहीं है, ना इनकी हालत का, ना फरहान की मौत का। कसूरी साहब, आप लोग हमसे अब तक नाराज हैं, बुलाया तक नहीं। देखिए, अगर हमने कोई गलत काम किया तो हम माफी मांगने को भी तैयार हैं। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि आप गुनाह करके माफी मांग लेंगे तो सजा से बच जाएंगे, तो गलत सोचते हैं आप। सजा तो आपको मिलेगी, क्योंकि वो सब देखता है। इनकी इस हालत के लिए जितनी हुकूमत और पुलिस जिम्मेदार है, उतने ही आप जिम्मेदार हैं। मलान साहब, ये सही जगह नहीं है बहस करने के लिए। हसमत भाई, आप बाद में जाइएगा। ठीक है, अल्लाह आपको जल्द सेहतमंद करे। मैं वाला रुकिए, ये अपने सेब लेते जाइए, यहां किसी को आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। आप सबका गुस्सा जायज है, पर कसूरी साहब, पुलिस और सरकार को कसूरवार ठहराने से हम अपनी जिम्मेदारी से तो मुंह नहीं मोड़ सकते। अब फिर से सोचिए, ये दहशतगर्द कौन है और उनको पनाह देने वाले वो भी कौन है? बस बस, इसी की कसर रह गई थी। आप ही जैसे मुसलमान हैं जो इस्लाम को बदनाम करते हैं। सच्चा मुसलमान वो है मौलाना साहब, जिसकी जुबान और हाथ से किसी भी इंसान को कोई तकलीफ न पहुंचे। हम कब समझेंगे कि जिनको जो करना है वो करके चले जाते हैं और यहां हमारी सारी कौम शक के घेरे में आ जाती है। आबिद के साथ जो हुआ उसके लिए पुलिस और सरकार जितनी कसूरवार है, हम भी उतने ही हैं। इजाजत दीजिए, ख्याल रखिए अपना, मैं शाम को आता हूँ। रख दो। बारह फरवरी है ना? हाँ, बहुत नजदीक आ गए भाई। उस्ताद जी, हमारे डॉक्टर वर्मा कहते हैं कि 12 फरवरी सन 1948 को जिस दिन कलश का विसर्जन हुआ था ना, उस दिन हमारे देश की सारी सच्चाई और अच्छाई का भी विसर्जन हो गया था। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए, पहले एवरेज क्या देती थी, 5 या 6? 6। हम सोच रहे हैं कि बिल्कुल ओरिजिनल जैसा हो रहा है तो एवरेज भी 6 है तो 6 ही दे। अरे तब तो बहुत मजा आ जाएगा, क्या बात है। आदाब हसमत भाई। अरे गफार साहब, आदाब अर्ज़ है। क्या बात है यार, कल सवेरे सवेरे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, हारने के डर से ना। अरे जाओ यार, डॉक्टर बनर्जी के दूसरा सेब खाए के समझौता को हमेशा तुम्हें जीती हो। आ जाइए कल सुबह, फैसला हो जाएगा। हसमत भाई, आना तो आपको है कल, कमेटी वालों ने बुलाया है फैसले के लिए। आइयो, आ जाएंगे, कमेटी ने जो बुलाया है। सोच लो हसमत भाई, हमरी मानो मत आओ।
चलिए सर। मस्जिद के कायदे कानून सबके लिए एक हैं। हजमतुल्ला साहब ने फरमान के खिलाफ जाकर दुकान खोली, इसलिए कमेटी के मेंबरान ने फैसला किया है कि वो जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दें। हमें ये फैसला मंजूर नहीं है। 10,000 रुपए जुर्माना किया जाता है। ये रकम वो मस्जिद के फंड में जमा करवा दें। हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम जुर्माना भी नहीं देंगे। सभी मेंबरों को और सभी दुकानदारों को माफीनामा लिख कर दें कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेंगे, वरना उनसे सब ताल्लुकात तोड़ लिए जाएंगे। हम ये करने से भी इनकार करते हैं। हशमतुल्लाह साहब, कसूरी साहब के कहने पर हमने आपको एक और मौका दिया था रिश्ते सुधारने का और कयामत के रोज अल्लाह को मुंह दिखाने का, पर अफसोस आपने तो वो भी गवा दिया। मौलाना साहब, जब हमें अल्लाह पाक को मनाना होगा तब हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आप सभी के लिए दुआ करेंगे। साहिजी, इसका चल रहा है। अब ज्यादा काम नहीं बचा है। किला फतेह समझिए मिश्रा जी। रफात जी अबू, अरे सलीम को फोन लगाओ, कहाँ मर गया? लगा रहे हैं अबू, लगा रहे हैं। एक घंटे से लगा ही रहे हो तुम, छोड़ो हम लगा दें। अबू रुकिए रुकिए। कहा? फरहान के अब्बा आए हैं दुबई से। फातिहा पढ़ने वो लोग कब्रिस्तान गए हैं, वो आता ही होगा। तो भाई पहले कहा ही नहीं बताया? हमने सोचा आप काम में लगे हुए हैं तो फिर कैसा मैं... काम? देखो भाई, किसी की खुशी में शरीक होना हो गम में शरीक होना चाहिए, और कसूरी साहब हमारे दुश्मन थोड़े ना। लेकिन ना बिना बुलाए वहां जाएंगे, कोई उल्टा सुल्टा आपको बोल दे वहां पे तो। वो कुरान खाने भी करवा रहे हैं। क्या मतलब, आप उनके घर जाएंगे? हाँ, कहे अपना घर साफ रखे और पड़ोसी का मन नहीं, यही का बात है। चलो उन्होंने शुक्रिया अदा किया आप मिलने आए। जी, वो चेयरमैन है इसलिए मजबूर है, आपको जमात में बैठने की इजाजत नहीं दे सकते, आप चले जाइए। कहाँ जा रहे हैं आप? हमें भीतर जाना है। आपसे कहा ना फिर कभी मिल लीजिएगा, उनकी तबीयत भी खराब है। चलिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। क्या हिमाकत है ये है? हम उनसे अभी मिलना चाहते हैं। हशमत, नुरेज जी, इन्हें जानसनगंज का रास्ता दिखाइए। चलिए आइए। हशमत आइए। ए जल्दी कीजिए। नुरेज मियां, मलान साहब आप भीतर जाइए, हम इनको समझाते हैं। जाइए। अशफाक भाई, काहे अपनी बेइज्जती करवाने पर आमादा हैं? बिना बुलाए काहे आए हैं आप? बरसों नहीं आए और आज मुंह उठाए चले आए। मजा आ रहा है आपको ये सब करके? का जरूरत था कसम तोड़ने का? काहे आए हैं आप? अरे कुछ बोलते काहे नहीं? हमका कौनो मलाल नहीं, उल्टा मजा आ रहा है। वाकई सच? दिमाग तो ठिकाने है ना आपका? देखिए, ना ही हमने अपनी रूह को देखा और ना ही खुदा को देखा है, लेकिन जब सच्चे दोस्तों की उम्मीद करेंगे ना, आप तीनों हमें जरूर दिखाई दोगे। चलते हैं और हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है? क्या है ये? आप शायद भूल रहे हैं, आप मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे, अब आप जमात से बाहर हैं। लोगों को किसी प्रोग्राम में शरीक होने के लिए इस तरह अपील करने की इजाजत किसने दी आपको? हमने तो ये काम सवाब के लिए किया है। लेकिन लोग तो यही सोचेंगे ना कि ये अपील कमेटी की तरफ से है। हाँ, तो इसमें बुरा का है? देखिए, मसला अच्छे बुरे का नहीं है। आप जिस ओहदे पर हैं नहीं, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?
तुमने तो ये काम साफ दिल से किया, वरना ये लोगों तो खबर। अच्छा ठीक है, हमने आपकी दलील सुन ली, अब आप बराए मेहरबानी तशरीफ ले जा सकते हैं यहाँ से। चाहिए? अरे सुन तो लीजिए, खामोश रहिए। नहीं हमें देखिए, सुनिए, गलत हो रहा है ये। हमें हमने आप सब लोग से गुजारिश है कि आप सब लोग उस गाड़ी के साथ चलें। सुनिए, कसौटी का समय है और आज अगर हम लोग कदम पीछे करते हैं तो फिर हमें खुद से पूछना होगा कि हम सब लोग इस देश में क्या कर रहे हैं। अगर इस देश को आजाद कराने वाले नेता को हम इज्जत नहीं दे सकते तो फिर हम यहां कहां हैं? कहां हम यहां मेहमान हैं? हम सब हिंदुस्तानी हैं और ये हमारा वतन है। कल वो आदमी खुद हमारे इलाके से गुजरेगा उस गाड़ी पर बैठकर जो हमने बनाया है, और आप सब जानते हैं उसको बनाने का हौसला और जज्बा आप ही लोगों ने हमको दिया है। कयामत के रोज अल्लाह ताला आपको कभी माफ नहीं करेगा। चलिए जाइए यहां से। अल्लाह का इतना तंग दिल होगा कि वो आदमी आदमी में फर्क करेगा? नहीं। खुदा हाफिज। अच्छी बात है, देखते हैं। खुदा हाफिज। नहीं नहीं रहने दो, कड़वी ले लीजिए, बहुत कड़वी है, कड़वी है, बाद में। आदाब कसूरी साहब, कैसी हो शहनाज? आदाब, आइए तशरीफ रखिए। सुना तो रोक नहीं पाए खुद को, कैसी तबीयत है अब? ताज्जुब हो रहा होगा ना, बरसों नहीं आए और इन दिनों बार बार आ रहे हैं। इसमें ताज्जुब की क्या बात है, हमने कभी आप लोगों को आने जाने से रोका है? बुलाया भी तो नहीं है। कहिए आज कैसे आना हुआ? जी आपको तो खबर होगा कि हमने वो इंजन बनाकर दे दिया है और कल उस पर गांधी जी का कलश रखकर। हमसे क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कसूरी साहब कि आप भी उस कलश के साथ संगम तक चलें। आप आएंगे तो बाकी के लोग भी शामिल होंगे। अच्छी बात है, हम कमेटी के मेंबरान से सलाह करके तय करेंगे। चाय पियेंगे आप? जी नहीं, शुक्रिया, चलते हैं। कसूरी साहब, आपने कभी सोचा है कि इलाहाबाद से या फिर पूरे हिंदुस्तान से मुसलमान पाकिस्तान न गए होते तो क्या होता? हम कुछ दिन वो यूनिवर्सिटी गए थे, वहां पता चला कि ये देश अगर बटाना होता तो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होता। किसी इस्लाम देश में न होकर सबसे ज्यादा मुसलमान यहां होते, 50 करोड़, और दोनों मुल्क एक होते तो मिलिट्री पर खर्चा होने वाला पैसा 100 लाख करोड़ से ज्यादा बचता। 100 लाख करोड़, ये सारा पैसा तालीम, दवाइयां, अस्पताल, न जाने कितनी जरूरी चीजों के लिए इस्तेमाल होता। आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? हम जानते हैं कि आपके खानदान के लाखों की जायदाद बंटवारे के वक्त वहां लोकनाथ में लूट लिया था, और वहां अब हिंदू रहते हैं, इस बात का गम आपको आज भी कांटे खाए जा रहा है। जो जख्म नासूर बन चुके हैं उन्हें मत कुरेदिए। ना ना कसौड़ी साहब, ना, हम तो मरहम लगाने आए हैं। अब तो अब ये सोचने लगे हैं कसौड़ी साहब कि बंटवारा मुल्क का नहीं, मुसलमानों का हुआ। सच ये जिन्ना साहब से पूछिए ना, 80% मुसलमानों की राय लिए बगैर महज 20% लोगों के लिए उन्होंने पाकिस्तान क्यों बनाया, और 20 लाख से ज्यादा लोग इस बंटवारे में मारे गए। कहा कि गरीब मुसलमान पाकिस्तान नहीं जा सकता था, और जाता कैसे? तब तो ये कहना होगा ना कि इनकी मौत के लिए ये 20% सियासी और रईस मुसलमान जिम्मेदार है। और ये पाकिस्तान की गरज किसको थी? लियाकत अली को, मुस्लिम लीग को, कि जिन्ना को? ना ना, इनमें से किसी को भी पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं था। लगता है बहुत रिसर्च करके आए। जी, कहा है कि हमें पता चला कि ये जिन्ना साहब वजीरिस्तान,
पाकिस्तान का हिस्सा न बने इसलिए अलग से अंग्रेजों से लड़ रहे थे। और तो और, मैं सच्चा मुसलमान नहीं हूं ऐसा हलफनामा तक उन्होंने यहां की अदालत में दायर किया था ताकि उनकी जायदाद उनकी बेटी और बच्चों को मिले, जब्त न हो। यह था उनका पाकिस्तान और इस्लाम के लिए प्यार। मजहब के नाम पर उन्होंने जो सियासत का खेल खेला है उसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। इस्लाम खतरे में यह नारा सुनकर हम लोग मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग अपनी अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इन्हीं मजहबी नारों की वजह से पाकिस्तान का आज का हाल बना हुआ है। वैश्यपन का खेल चल रहा है, ये तो जानते ना आप। अरे कम से कम हिंदुस्तान में तो हम अपने पैरों पर खड़े हैं। जिन कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान की कुर्बानी ली है वह हिंदुस्तान की तरक्की के आड़े आ रहे हैं दहशतगर्दी को जिहाद का नाम देकर। और यहाँ की सियासी ताकतों का क्या, जिन्होंने हमारा जीना मुहाल कर रखा है, क्या वो जिम्मेदार नहीं? हम कहाँ इनकार कर रहे हैं कसूरी साहब, हम उनको भी समझाने को तैयार कि भैया ये दोनों कौम के बीच जो तनाव बना हुआ है इससे हमें फायदा नहीं होगा, नुकसान हो रहा है। फायदा हो रहा है पाकिस्तान को, अमेरिका को, चीन को, हम जानते हैं, लेकिन समझाने की शुरुआत तो हमें अपने घर से ही करनी होगी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर कसूरी साहब मुमकिन है ही। नवाखली के दंगों में 42 घंटे में 5,000 लोगों को मार दिया गया, मिलिट्री और पुलिस तक ने हाथ उठा लिए थे। अगर एक आदमी महज 73 घंटों में बिना कोई हथियार उठाए ये दंगे रोक सकता है तो दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। वो जमाना और था अजमत भाई, आज उनकी यहाँ किसी को जरूरत नहीं। ना कसूरी साहब, हम लोगों को जरूरत है और इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। अल्लाह बार बार पैगंबर नहीं भेजा करता, ये कोई इत्तफाक नहीं है, ये इशारा है उसका। आज कई सालों बाद वो फिर से हमारे बीच से गुजरेगा, उसे इज्जत तो बख्शना होगा, वो हमें फिर से मिलाने आया है और हमें इस बात का नाज है। आप जज्बाती हो रहे हैं, आज हालात बहुत खराब है, भरोसा उठ गया है हमारा। हम कुछ भूलना भी चाहें तो वो भूलने नहीं देते। हर बार वही मंजर, खून से सनी लाशें, औरतों बच्चों तक को नहीं बख्शा। इसका बदला हमने भी तो लिया है ना कसूरी साहब, उनको भी तो हमने बेदर्दी से मारा है। हदीस शरीफ में लिखा है कि वो जहन्नुम में जाएंगे जो मासूमों का खून बहाएंगे। अब ये तय करना है कि तारीख के काले पन्नों को जलाकर नई शुरुआत, या फिर जो हो रहा है वो बस चुपचाप देखते रहे। कहा था कि आने वाली नस्लें शायद ही इस बात पर विश्वास करें कि हाड़ मास का कोई ऐसा आदमी इस धरती पर चला होगा। हम लोग शायद इस वाक्य का सही अर्थ समझ नहीं पाए, इसलिए हमने उन्हें इतनी जल्दी भुला दिया उनके आदर्शों को, उनकी नीतियों को, उनके मूल्यों को, पर वो हमें नहीं भूले हैं, वो फिर से लौटे हैं। नियत उन्हें एक बार फिर खींच लाई है अपने लोगों के बीच एक ऐसी यात्रा के लिए जो एक चर्च से शुरू होकर
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से होते हुए पावन संगम तक पहुंचेगी। हम सबको अनेकता में एकता का वही पुराना सबक फिर से पढ़ाने के लिए जिसके लिए वो जिए और शहीद भी हुए। इलाहाबाद से मानवेंद्र प्रताप सिंह, NDTV इंडिया के लिए। छोटा मत करो, बहुत लोग आए हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, गांधी जी का नाम रहेगा। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम विश्वाय नमः। हस्तो प्रेषयलम् यावत् अस्ति मनुष्यानां संगतो हि प्रसिद्धते यावत् वर्ग सहस्राणि स्वर्गलोके महीयते। गंगा माता, यमुना माता, सरस्वती माता, प्रयागराज गंगा माता आपके स्थान पर गंगा जी में वास करें, यमुना जी में वास करें, सरस्वती जी में वास करें। यावत् वर्ग सात प्राणी स्वर्गलोके महीयते। नमो गंगे महागंगे वल्लभे बहते त्वाम महादेवी। गंगा माता, यमुना माता, सरस्वती माता प्रयागराज इस जन्म का, उस जन्म का, पूर्व जन्म का, जाने में अनजाने में हे गंगा माता जो अपराध हुआ हो क्षमा करना, कष्ट व्याधा दूर करना। अस्थि विसर्जन के लिए गंगा जल है, गंगा जल में संतुष्ट हुए। नमस्ते, नमो नमः।